जब वो यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करता है तो उसके सामने पहली समस्या यह है कि वो किस ऑप्शन का चयन करे। अब उसके सामने बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, फिलॉसफी, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, लिटरेचर, चाहे इंग्लिश, संस्कृत या हिंदी लिटरेचर हो, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। आप सोचो, आप अब आपके सामने दो विकल्प हैं। जब आप ऑप्शन का चयन करते हो तो पहला विकल्प यह है कि पढ़ने में बहुत अच्छा हो, रोचक है, हमेशा ध्यान दो पढ़ने में रोचक हो, और दूसरी चीज अंकदायी हो, और तीसरी चीज छोटा सब्जेक्ट, और चौथी बात जीएस के वो जीएस में सहायक हो। और पांचवी चीज बात करें निबंध की, हम बात करें जब भी कोई विद्यार्थी ऑप्शन का चयन करता है तो क्या सोचता हुआ, वो पढ़ने में रोचक हो, वह स्कोरिंग हो, वह छोटा हो, जीएस में सहायक हो, और उस ऑप्शन को पढ़ने से वह स्टूडेंट निबंध का पेपर बेहतर तरीके से सॉल्व करने में सक्षम हो। कोई भी स्टूडेंट यही सोचता है, लेकिन विद्यार्थियों के सामने दो तरह की समस्या उत्पन्न होती है। पहली समस्या यह उत्पन्न होती है उसके सामने कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, ऐसे जो रोचक तो हैं हमेशा, बड़े भी हैं किंतु अंकदायी नहीं है। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट जिसके कुछ भाग में रोचकता कम है, किंतु अंकदायी होने के साथ छोटा सिलेबस है। आप ध्यान देना, मैंने क्या कहा, जब कोई विद्यार्थी किसी ऑप्शन का चयन करता है तो किन्हें लेकर चलता हुआ, लेकिन जब ऑप्शनल के चयन करता तो दो तरह के ऑप्शनल, एक तो कुछ ऐसे ऑप्शनल है जो बहुत रोचक हैं, इंटरेस्टिंग है, पर उसका सिलेबस बहुत बड़ा है और अच्छे अंक पाना बहुत कठिन है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके लगभग 20-30% भाग में रोचकता कम है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है, वो कॉन्सेप्ट है किंतु छोटा है वह और अंकदायी है। अब आप एक चीज सोचो, मान लिया जाए आप किसी ऑप्शन का चयन करते हो, कहानियां पढ़ने में बहुत अच्छी लगती हैं, पर सिलेबस इतना लेंदी है कि कवर करना बहुत मुश्किल है और अच्छे अंक पाना बहुत कठिन है। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं और किसी भी ऑप्शन के दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर के दो पार्ट होते हैं और सेकंड पेपर के भी दो पार्ट होते हैं, टोटल किसी ऑप्शन के चार खंड हो गए, और एक खंड में यदि रोचकता कम है पर यदि अंकदायी है और छोटा सब्जेक्ट है, तो मेरा व्यक्तिगत विचार है कि किसी ऑप्शन के चार खंड में यदि एक खंड में रोचकता कम है किंतु तीन खंड यदि रोचक है और अंकदायी है और उसका सिलेबस छोटा है तो उसका चयन करना चाहिए। अभी बाजार में क्या चल रहा है, बाजार में 90% हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का झुकाव एक विशेष सब्जेक्ट की ओर है,
हर एक विद्यार्थी 100 में 90 स्टूडेंट केवल एक ऑप्शन का चयन कर रहा हो। उसे यह नहीं पता कि वह अंकदायी है या नहीं है। यह पूरा का पूरा मार्केट इस बाजार में केवल इल्यूजन, एक भ्रम क्रिएट किया जा रहा है, एक भ्रम क्रिएट किया जा रहा है कि वह सब्जेक्ट बहुत ही स्कोरिंग है। बेशक शुरू में आपको कहानियां खूब सुनाई जाएंगी, बहुत अच्छी भी लगेगी, पर एक चीज सोचो, क्या वास्तव में प्रत्येक विद्यार्थी उसमें नंबर पाने में सक्षम है? मैं इस बार मार्कशीट लेके चलता हूं। मैं 2022 की मार्कशीट आ चुकी है। अब मार्कशीट को देखो। आप यदि मार्कशीट की बात करें, अब सोचो PSIR इसिता किशोर जो टॉपर UPSC की, उसका ऑप्शनल PSIR है और उसे नंबर मिला 313। हो सकता कुछ इच्छे ज्यादा लोग नंबर पाए, 313 नंबर मिला है। अब एक चीज सोचो, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में 275 नंबर है, एंथ्रोपोलॉजी में 293, लेकिन इस बार एक ऐसा विद्यार्थी है UPSC में जो 325 तक मिला एंथ्रोपोलॉजी में। इसका मतलब यह है कि अंकदा सब सर्वाधिक अंक यदि मिल रहा है तो एंथ्रोपोलॉजी में मिल रहा है। इसका मतलब यह हुआ इंग्लिश मीडियम है, एंथ्रोपोलॉजी हिंदी मीडियम का सब्जेक्ट नहीं है, ये इंग्लिश मीडियम का सब्जेक्ट है। और ये जितने मार्क्स हैं जो स्टूडेंट हैं ये सब के सब इंग्लिश मीडियम के हैं। एंथ्रोपोलॉजी PSIR ये सारे स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं। अब एक चीज ध्यान दें इस बात को, जूलॉजी 281, इलेक्ट्रिक सोशियोलॉजी में देखो जरा 292 मिला है। ये शायद मुझे लगता है कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सातवें नंबर पे स्टूडेंट है, वो सेवेंथ रैंक इसकी लगी है। सोचिए 292, इकोनॉमिक्स में 276 मिला है। अब सोचो मैं फिलॉसफी की बात करता हूं, फिलॉसफी मिला 319 नंबर मिला फिलॉसफी में, 319, ये भी इंग्लिश मीडियम का है, ये हिंदी मीडियम के विद्यार्थी नहीं है। इसका मतलब है एंथ्रोपोलॉजी में 325 नंबर और सेकंड नंबर पर आता है फिलॉसफी, 319 नंबर मिला है। अब सोचो आप, और बीटेक का विद्यार्थी, ये जो स्टूडेंट है समांतर बीटेक के बच्चे हैं, बीटेक करके स्टूडेंट आता है फिलॉसफी पढ़ता है 3 महीना और 319 नंबर पा रहा और रैंक मार के चला जा रहा है। तो एंथ्रोपोलॉजी के बाद सेकंड नंबर पा रहा कौन? फिलॉसफी, 319 नंबर पा रहा वो। अब सोचो आप, यदि अंक के हिसाब से देखा जाए तो एंथ्रोपोलॉजी टॉप पर है और सेकंड पर फिलॉसफी है, पर इंग्लिश मीडियम में है। अब एक चीज देखो आप, दूसरी चीज बात करें, हमेशा जानते इस बात को, पर हर बच्चे को PSIR में 300 प्लस नहीं मिला है, एक बच्चे को मिला 300 प्लस, वो भी अपवाद स्वरूप की हम बात करें। अगला देखो जरा, पुनः PSIR 289 मिला है। मैथमेटिक्स में ये कहा जाता है कि 289। अब एक बात ध्यान देने इस बात को, अब मैं आता हूं लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर की बात करें, इसका जो भी अंक रहा हो, इसकी जो रैंक रहेगी है, मान लिया जाए 20 के आसपास रैंक होगी, इसको मिला 259 मिला है हिंदी लिटरेचर में। और इस बार 2022 की बात करूं मैं, जिसका रिजल्ट 2023 में आया है, हिंदी लिटरेचर में 282 मिला है, 282 हाईएस्ट गया है, फिलॉसफी में 319 हाईएस्ट गया है। नंबरों का गैप देखो जरा, लेकिन अनेक विद्यार्थी हिंदी मीडियम का विद्यार्थी वो हिंदी लिटरेचर पढ़ना चाहता है, एक बच्चे को मिला है कितना 282, दूसरे को मिला है 272, उसके बाद अगले की बात करें हम लोग, उसे मिला है 259, 259 मिला उसको। सोचो आप, इसका मतलब क्या चीज है, औसत नंबर तो 250 से नीचे चला गया। अब यदि औसत नंबर एक बच्चा 282 पाया, जो हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट नंबर है, हम उसी आधार पर हर स्टूडेंट से यह कहें कि हर विद्यार्थी को 300 प्लस मिला है, तो पूर्णतः गलत है, एक भ्रम क्रिएट किया जा रहा है। आप सोचो आप, दूसरी चीज बात करें हम लोग, ऐसे तमाम सब्जेक्ट है, सोचो आप तमाम ऐसे सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी भी ठीक है 294 282। मैं फिलॉसफी की बात करता हूं, अनेक ऐसे विद्यार्थी मेरे स्टूडेंट हैं फिलॉसफी में जो 2015, 16, 17 में 300 प्लस पा चुके हैं,
10 स्टूडेंट यदि मेंस लिखता है तो 10 में 3 स्टूडेंट 300 प्लस पा रहा है, 10 में 3 स्टूडेंट 300 प्लस पा रहा है। अब सोचो जरा, आते हम लोग, मान लिया जाए कि 2000 हम 1500 की बात करें, टोटल 10 स्टूडेंट है, 10 में 3 स्टूडेंट 300 प्लस पाता है और 7 जो स्टूडेंट है 280 प्लस पा रहा है, तो औसत नंबर 280 प्लस है। फिलॉसफी में ये सब कुछ हिंदी मीडियम की बात हो रही है, मैं ये नहीं कहता हर विद्यार्थी 300 प्लस पाएगा, पर मैं दावे के साथ कहता हूं कि 300 प्लस पाना बहुत आसान है फिलॉसफी में। कारण क्या है फिलॉसफी के साथ? रीजन यह है कि टोटल जो 20 क्वेश्चन है, 20 प्रश्न है, इसमें से 15 क्वेश्चन हर साल रिपीट करता है। मैं कहता हूं कि आप 2010 से लेकर 2020 तक का केवल पेपर सॉल्व कर ले जाओ, क्यों 10 साल का पेपर सॉल्व कर लोगे तो यकीन करो 15 प्रश्न आपको रिपीटेड मिलेगा। वो 15 प्रश्न का आंसर आपने अच्छी तरह लिख दिया तो 280 क्रॉस कर जाओगे। और क्लास के जितने विद्यार्थी हैं, बीटेक का विद्यार्थी, सिंपल बैकग्राउंड का विद्यार्थी जिसका फिलॉसफी कभी नहीं रहा है, वो बच्चे 3 महीने पढ़ते हैं 280 प्लस पा रहे हैं, सिलेक्शन लेके चले जा रहे हैं। तो प्रश्न ये उठ रहा है कि इस बार हिंदी मीडियम में फिलॉसफी का रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा है? कारण यह है कि प्रचार के बल पर भीड़ किसी और सब्जेक्ट की ओर ढकेली जा रही है, ढकेली जा रही है, क्योंकि ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है कि केवल केवल यह सब्जेक्ट ही आपको आईएएस बना सकता है। मैंने क्या कहा, 100 में 90 विद्यार्थी एक विशेष लिटरेचर को चुन रहे हैं, हिंदी लिटरेचर को चुन रहे हैं, जबकि सभी विद्यार्थी को 280 प्लस नहीं आ रहा है, एक विद्यार्थी को 282 मिला, 282 मिला है, तो सोचो औसत नंबर कितना कम होगा। यह बात मैं इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि आपका कैरियर है, आप चुन सकते हो। मैं ये फिलॉसफी में यह बात नहीं कहता हूं कि हर विद्यार्थी को मैं 300 प्लस दिलवा दूंगा, पर मैं दावा करता हूं कि जब आपने क्लास प्रॉपर क्लास किया है और क्वेश्चन आंसर को आपने डिस्कस किया है तो मिनिमम 280 पा जाओगे, मिनिमम 280 पा जाओगे आप। ये मैं इस आधार पर कहना चाहता हूं कि मेरे क्लास के अधिकांश विद्यार्थी 280 प्लस पा रहे हैं, पर वो विद्यार्थी जो प्रॉपर क्लास किया हो। मैं टॉपिक को डिस्कस करने के साथ, मैं फिलॉसफी पढ़ाता हूं और टॉपिक को डिस्कस करने के साथ 1990 के बाद जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको मैं फ्रेम कर देता हूं, मैं आंसर फ्रेम में, प्रश्न कहां से बाहर जाएगा। इसलिए जब आप ऑप्शन का चयन करो तो सोच समझ के करो, क्योंकि आपका कैरियर है, कैरियर। थैंक यू।